पाँच छः घंटे हो गए लाइन में लगे लगे। आठ घंटे भाई कहीं। हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट अभी अपने हम क्या बोलते हैं कॉटेज से निकल के रेडी वगैरह होके फ्रेश अप होके एकदम हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। राजमा चावल, दाल चावल, चाय हम लोगों ने पी लिया। समोसे बहुत ठंडे थे और लाइन बहुत लंबी है। आपको दिखा देता हूँ, ये भी लाइन लगी हुई है और मंदिर हम ये लाइन पूरी इधर से पार करके उधर जो बिल्डिंग दिख रही है ये उसके उधर से कम 300-400 मीटर लंबी लाइन है, फिर मंदिर आएगा। कम से कम 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइन है। देखते हैं, दर्शन तो हो ही जाएंगे फिलहाल और हम रुकने का सीन सोच रहे हैं यहाँ पर एक दिन और, तो देखते हैं फिलहाल। अभी बने रहना ब्लॉग में, आगे मिलते हैं। पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि कल रात कुछ खाया नहीं था ना। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी करके आ चुके हैं। मैं आपको एक बार लाइन दिखा रहा हूँ। जस्ट ये वो ब्रिज दिख रहा है, ये पूरी लाइन, ये फिर वाला ब्रिज और ये पूरा घूम के आ रही है। और जस्ट ये भी लाइन लग रखी है, आपको दिख रहा होगा। ये भैया बैग लेके, ये पूरी लाइन लग रखी है और ये लाइन भी बहुत लंबी पूरी घूम चुकी है। सो अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और चलते हैं। लुक एट दिस व्यू गाइस। और मंदिर जो है इन होटल्स के पीछे, जैसे ये लाइन जा रही है ब्रिज को पार नहीं कर रही है, इसके जो कॉटेजेस बन रहे हैं इसके बिल्कुल सीधे 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 सीधे। वैसे मंदिर है ये ब्रिज के जस्ट सामने ओम है एंड देन सामने ही मंदिर है। लुक एट दिस व्यू गाइस। और अब गर्मी लग रही है, मैंने तो ये पहना है कुर्ता एंड देन शॉल, कुछ और नहीं, जैकेट। और ये जुगाड़ देख सकते हैं आप, मेरा पन्नी, सॉक्स, क्योंकि जूते गीले हो रखे हैं पूरे के पूरे। तो हम लाइन में लग रखे हैं, 2-3 किलोमीटर का होगा। और जस्ट हमारे सामने ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, इसका भी अच्छा मतलब डिफिकल्ट ट्रैक है, मज़ा आएगा ऊपर जाके। अभी तो फिलहाल हम 3-4 घंटे बाद ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी दर्शन कर लिए। बैग भी हमने रख दिए अपने होटल रूम के किचन में, मतलब वो स्टोर रूम और किचन इक्वली मतलब वही था 50-50। मुकुल ने मेरा फिलहाल चश्मा मार लिया, मैं ऐसे कह रहा हूँ दे दे, ये कह रहा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। राइट नाउ इज 11:35 और लाइन हम लोग पता नहीं कहाँ लगे थे, उस साइड कहीं लगे थे। ये पूरा क्रॉस करके ये फिर ब्रिज से आए और अभी हम फिलहाल यहाँ हैं। ये मुकुल है और ये पूरा पार करके जाना है हमको मंदिर। कम से कम 2-3 घंटे और लगेगा अभी। और कल वेदर बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा बहुत ठंडी, अब धूप निकल आई एकदम मस्त। फिर एकदम आपको कहना चाहेंगे जय श्री केदार, जय श्री केदार भाई। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो एक बार। वो जा रहा है हमारा हेलीकॉप्टर, हमने यहाँ पर सेवा में दे रखा है खरीद के। और क्या बारह कौन खरीद हो गया वाला मैंने। हम लोग जस्ट ओम के नीचे हैं, ओम के जस्ट सामने ही मंदिर है, बट अभी तो हम लाइन में लगे हैं। कल रात में कोई लाइन नहीं थी, आज लाइन ही लाइन लगी हुई है। और लाइन गई आपको दिखाऊँ कहाँ से लगी हुई है। देखो ये लाइन तो वो सामने दिख रही होगी आपको, ये ग्रीन ग्रीन के पीछे। और फिर ये हाँ, और उधर भी लाइन लगी है गाइस, वो आपको दिख रही होगी बहुत लंबी लाइन। और नियर हेलीपैड से लाइन लग रखी है, हेलीपैड उस साइड है। जब आप केदारनाथ आएंगे तो आपको इस तरीके के क्या कहते हैं पास मिलेगा केदारनाथ मंदिर के लिए, एंड जस्ट यू कैन ड्रॉप इट हेयर। बहुत मतलब ये मंदिर सामने आ ही गया, वहाँ पर ड्रॉप करना है और ये लाइन में लगाना है। जो एक हेलीपैड है ना वहाँ पर मिल रहे हैं, देख सकते हैं 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो चुका है, मंदिर जस्ट आ ही गया है। ये इस वाली बिल्डिंग के पीछे ही मंदिर है, जो ये आगे शेक दिख रहा है छोटा सा, ये वाला शेक, ये दिस वन, ये मंदिर का ही शेक है। और ठंड बहुत हो चुकी है, वेदर रात तुरंत चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं हर तरफ बादल ही बादल है। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले और हमें भी 5-6 घंटे हो गए लाइन में लगे लगे। आठ घंटे भाई गाइस, चलते हैं अब। जय श्री केदार गाइस। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया था मस मेरा। तो गाइस हाँ, अभी पूजा का सामान भी देंगे आई थिंक। हम लोगों ने जस्ट अभी 4 बजे दर्शन कर लिए हैं,
सुबह के लगे हैं और 4 बजे दर्शन करें, जस्ट यहाँ से निकले हैं और जो ये बिल्डिंग दिख रही है येल्लो येल्लो, यहाँ पर जाके अभी हम लोगों ने, मतलब ग्रुप था 10 लोगों का, उनमें 8 लोग थे, 10 लोग चाहिए थे तो हम 2 थे, तो उनको हमने रुपये दे दिए, वो हमारा टिकट लेना रात में 10 बजे गर्भगृह, मतलब जो ये यहाँ पर शिवलिंग है ना शिव जी की, तो इस पीछे वाले में जाने नहीं दे रहे वहाँ पर, तो वहाँ की पूजा करेंगे हम प्रॉपर। और अब देखो आप कितनी भीड़ बन गई है, बढ़ गई है सॉरी, अब तो बोल भी नहीं मिल रहा है, और मैं सिर्फ कुर्ता पहना हूँ, अब बारिश आ रही है, धूप निकल रही है, बारिश आ रही है, धूप निकल रही है, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। इस गेट से जाते हैं दर्शन करने, जिनके वो होता है भाई, किसी का ड्रोन उड़ रहा है यार, कोई यूट्यूबर वगैरह आया, अमीर बंदा रखा है यहाँ। फिलहाल चलते हैं आप लोग यहाँ से, थोड़ी देर बाद आएंगे, और जस्ट इसके पीछे भीमशिला जो आपको दिख रही है हल्की सी, ये है भीमशिला। फिलहाल मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एपिक सीन है भाई, एपिक सीन है, जय श्री केदार भाई। फाइनली अब मंदिर के बाहर आ चुके हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं सब लोग एकदम मस्त, जय बाबा केदार। वेदर वापस से ख़राब हो गया, बारिश आने ही वाली है गाइस, और यहाँ पर नागा बाबा, ये देखिए आप, ये नंदी महाराज हमारे, जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस जस्ट इधर ही मंदिर है, आप जब लाइन में आए ना तो इधर ही उतारना, जस्ट मंदिर के सामने शूज अपने, बहुत दूर से आप अगर आओगे ना ठंडक हो जाएगी पैरों में। अभी हम आ चुके हैं, खाना खाने जूते वगैरह पहन लिए, बारिश हो गई तो ये भी ले लिया है, और अभी हम खाना खाने आए हैं, जस्ट मंदिर हमारे से 100 मीटर के अंदर अंदर है सामने जस्ट पीछे, और इसके बाद हमें बैग, 100 मीटर बहुत बोल दिया, इसके बाद हमें अपने बैग लेने जाना है जहाँ पर हमने कल रात सोए थे, मतलब तो वहाँ पर बैग है, और जस्ट बराबर में हमने टेंट करा है, जस्ट इसके जस्ट पड़ोस वाला होटल है ये, जस्ट इसके पीछे, सिर्फ वहाँ आना है, दिक्कत ये बस। तो उसके लिए मैंने मुकुल से बोल दिया, मुकुल कह रहा मैं चला जाऊँगा अकेले, बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छा लड़का है भाई। कॉफ़ी आ चुकी है, पीते हैं इसको, पूरा खाना आ चुका है, दाल मखनी पनीर एंड रोटी करते हैं। अभी तो फिलहाल हम सो रहे हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं, 1 बजे का हमारा स्लॉट आया रात के 1 बजे का, फिलहाल अभी बाहर बारिश आ रही है, ये भी सो चुका है, मैं भी सो रहा हूँ, 2-3 घंटे का हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, फ्लैश बहुत तेज़ लग रही है। ये हमारा छोटू सा टेंट है, ये हमने थोड़ा सा खोल रखा है लाइट के लिए, बाहर से लाइट आती रहे, ये हमारा लाइट का वो है, बट यहाँ लगी नहीं है, ये टेंट है कुछ ऐसा, मज़ा आ रहा है। और अब उठते हैं 12 बजे, मिलते हैं 12 बजे। तो फाइनली हम सो के उठ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 12:40, 1:30 के हमारा बुकिंग है, मतलब स्लॉट जो है, और हम दो 8 लोग जो आ रहे हैं वो जस्ट ओम पे मिलने का है, वो कह रहे हैं आ ही रहे हैं, तो ये है ओम, यही था हमारा टेंट, जस्ट सामने है मंदिर, ये दिख रहा है छोटा सा मंदिर अभी तक, चलते हैं बस भाई का वेट करते हैं। ठंड बहुत हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइज अभी रात के दर्शन हो रहे हैं, जिन लोगों ने वही पर्चियाँ वगैरह कटाई हैं, तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट है, छोटी सी लाइन है, और जो एग्जिट वाला गेट था वो खुला हुआ है, ये सामने ही है जस्ट, जय श्री केदार। जैसे कि मतलब गाइस दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए मेरे, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, और अभी 2 बज रहे हैं, ये वाली लाइन जो वो है 1100 रुपये वाली, और उस साइड हमारी नॉर्मल लाइन लग चुकी है, जो हम यहाँ सुबह दर्शन करे थे 5-7 घंटे लगते हैं, वो 2 बजे लगना स्टार्ट हो गई है सोच लो, और मंदिर के पास 4 बजे खुलते हैं।